सो हाय गाइस, सो आज हम लोग बेजल प्रॉब्लम का प्रूफ देखेंगे। बेजल प्रॉब्लम बेसिकली क्यों है, इसका नाम बेजल प्रॉब्लम, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इजेंशली इस इन्फिनिट सम को इस नंबर के साथ कनेक्ट करती है, पाई स्क्वायर बाय सिक्स, वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये सम पाई स्क्वायर बाय सिक्स होता है। अब ये सम प्रूव होने में दोस्तों अराउंड 80 टू 90 ईयर्स लगे। फाइनली इसका प्रूफ दिया लियोनहार्ड ऑयलर, हमारे फेमस ऑयलर ने, एंड सिंस ही लिव्ड इन बेजल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बेजल वॉज हिज होम टाउन, स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे लियोनहार्ड ऑयलर, एंड ही वॉज फ्रॉम बेजल, सो दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अ बेजल प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। और कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें, अभी तक जो प्राइड के स्टूडेंट्स हैं, जो जेई में 12th क्लास के अंदर लिमिट्स पढ़ चुके हैं, उनको कुछ चीज़ें पता हैं तो वो यूज़ करेंगे हम लोग। अब आप देखो, बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। देखो ये साइन एक्स का कर्व होता है, तो ये ज़ीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर ज़ीरो होता है, राइट, ये साइन एक्स का कर्व है। अब दोस्तों साइन एक्स को हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरह देखा है, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है या नहीं, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है, करेक्ट, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं साइन एक्स को एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल की तरह लिखूं, एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल की तरह अगर मैं साइन एक्स को लिखूंगा, तो मेरे को एक और चीज पता है, मैंने एक और चीज आप लोगों को पढ़ा रखी है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। अब देखो इसके इनफाइनाइट रूट्स है ना, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, और ये क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस पाई भी रूट है, माइनस टू पाई भी रूट है। तो मैं एक काम करता हूं, साइन एक्स को ऐसे भी लिखता हूं, ए इंटू एक्स, एक तो जीरो रूट है, फिर देखो मैंने पाई और माइनस पाई को कंबाइन कर दिया, फिर 2 पाई और 3 पाई को कंबाइन कर दिया, चमका आप लोगों को। अब ये ऐसे चलता जाएगा, ये पॉलिनोमियल ऐसे चलता जाएगा, राइट, यहां तक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना, इस चीज को फॉलो कर पा रहे हो ना आप लोग, सभी लोग इस चीज को फॉलो कर पा रहे हो ना, आप फॉलो करते जाना, ठीक है, फॉलो करते जाना, ठीक है। अब देखो मैं x को नीचे लेके आता हूं, मुझे इस a को निकालना है ना, मैं साइन x अपॉन x बना रहा हूं यहां पे, और ये क्या हो गया, a एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगा ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो लगाऊंगा। अब मैंने आप लोग को एक चीज समझा रखी है, अगर x टेंड टू जीरो लिमिट है ये तो वन हो जाएगा। अब मैंने आप लोग को एक चीज समझा रखी कि अगर लिमिट में कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है तो हम एज इट इज वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने देखो सब जगह जीरो डाल दिया, माइनस पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर डॉट 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 डॉट, चमका आपको। अब देखो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, माइनस, मैं एज इट इज माइनस रखूंगा दोस्तों ना, एज इट इज माइनस रखूंगा, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, डन है, किसी को कोई दुविधा अभी तक, ये चेक पॉइंट नंबर वन है, ये है चेक पॉइंट नंबर वन। अभी तक मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने आप लोग को साइन एक्स के अंदर ये बताया कि भाई अगर साइन एक्स को पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट करें तो जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, माइनस पाई, ये सब उसके जीरोज हैं, ये सब उसके जीरोज हैं, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा क्या कहती है कि अगर ये उसके जीरोज हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है ना वो इस चीज के बराबर होगा, राइट, ये पॉलिनोमियल इस चीज के बराबर होगा, करेक्ट है ना। अब मैं बहुत सिंपल एक बहुत सिंपल काम करूंगा, इसको मैं आगे लिखूंगा, ठीक है ना, ये चेक पॉइंट नंबर वन है बेसिकली, ठीक है। लिमिट इसलिए लिया गया क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू जीरो इसमें डायरेक्टली तो पुट कर नहीं सकता, x की वैल्यू जीरो तो डायरेक्टली मैं पुट नहीं कर सकता, तो मेरे को ये देखना है कि जीरो पर यहां पर क्या हो रहा है, तो इनडिटर्मिनेंसी है तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे, तो बेसिकली मैं अभी तक यहां पहुंचा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट,
और a की वैल्यू मेरी ये आ गई ना माइनस पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर, ये आ गई x, x माइनस पाई स्क्वायर x माइनस फोर पाई स्क्वायर। अब देखो मैं अपने दोस्त को ये सबको माइनस पाई स्क्वायर इसको दे दूंगा, फोर पाई स्क्वायर इसको दे दूंगा, अब देखना क्या होगा। ये हो गया x इंटू माइनस पाई स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो x अपॉन माइनस पाई स्क्वायर प्लस वन, x अपॉन माइनस फोर पाई स्क्वायर प्लस वन, ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा, एज इट इज ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पे है ना, ये मैंने एक्स स्क्वायर मिस कर दिया, ये एक्स स्क्वायर है करेक्ट, ये ऐसे आ गया, इस तरह से आ गया ना। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को बाइनोमियल के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर कोफिशिएंट्स निकालना सिखाया है। अगर मैं इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालूं तो एक्स तो मेरे पास है ही सही, मैं क्या करूंगा, यहां से तो एक्स ले लिया मैंने इंटू, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर लूंगा, राइट right? देखो, और बाकी सारे ब्रैकेट में से वन ले लूंगा, बाकी सारे ब्रैकेट में से वन ले लूंगा, राइट right? फिर अगली बार मैं क्या करूंगा, पहले वाले ब्रैकेट में से वन लूंगा, दूसरे ब्रैकेट में से ये ले लूंगा, बाकी सब में से वन ले लूंगा। तो बेसिकली मेरा एक्स क्यूब का कोफिशियंट, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या आ गया, माइनस वन बाय पाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन नाइन पाई स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब एक्स क्यूब का कोफिशियंट जो यहां पर वही यहां पर होगा, यहां पर माइनस वन बाय सिक्स है, माइनस वन बाय सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय पाई स्क्वायर माइनस वन बाय फोर पाई स्क्वायर, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को दिख गया होगा। अब ये माइनस माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ, पाई स्क्वायर को ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो पाई स्क्वायर बाय सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर, फोर क्या होता है टू स्क्वायर, थ्री क्या होता है नाइन क्या होता है थ्री स्क्वायर, ये इसका प्रूफ आ गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द बेजल प्रॉब्लम। तो बेजल प्रॉब्लम का दोस्तों ये प्रूफ था, ठीक है। अब इसको मैं अलग से भी रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तो मैंने कर ही लिया है, अलग से भी मैं इसको अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, और आप बताना कितने ओपी टीचर से आप पढ़ते हो। थैंक यू।